दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। शिक्षक सरकार को जीने नहीं दे रहे हैं, न सोने भी नहीं दे रहे हैं। जिस तरीके से लगातार इनका जो मांग है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, लोकसभा चुनाव से पहले लगातार सरगर्मी बढ़ता जा रहा है। हमारे पास साथ तमाम शिक्षक हैं, इनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ इस बार पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार किस तरीके से जागरूक हो रही है या नहीं। ये बताइए, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार आप लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले अपने। मैं दिनेश कुमार सिंह, जिला मंत्री, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है, लोकसभा चुनाव के पहले जिस प्रकार से प्रदेश और केंद्र के जो है सभी कर्मचारी संगठन, चाहे वो शिक्षक हो चाहे जिस भी सभा के हों, सारे लोग जो है पुरानी पेंशन को लेकर के आशान्वित हैं। जब विधानसभा, विधान परिषद या लोकसभा या राज्यसभा में जाने वाला सांसद एक दिन का कार्यभार ग्रहण करने के बाद उसको पुरानी पेंशन अनुमन्य हो जाता है, और वो 5 साल रहते हैं, 6 साल रहते हैं, हम तो अपना पूरा खून पसीना बहाते हैं, पूरी जवानी दे देते हैं देश की भलाई के लिए, देश के जो है मार्गदर्शन को देने के लिए। इसलिए पुरानी पेंशन का होना अनिवार्य है, और ये किसी की अनुकंपा नहीं है, ये हमारी जो है त्याग और जो है हमारे कर्तव्यों का, ये हम उसका एक प्रकार से तोहफा है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये हमारे जो है रूल रेगुलेशन के एक्ट के अधीन है। इसको आप नकार नहीं सकते कि आप ले लें और हमें न दें, ये संभव नहीं है। इसलिए जो है पुरानी पेंशन, हम आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम 2024 के पहले निश्चित रूप से ले लेंगे। एक चीज़ बताइए कि जिस सरकार ने बंद की है, इसी सरकार ने बंद की है, ये सरकार दे सकती है? सरकार चाहे जो भी हो, चाहे कांग्रेस की सरकार ने इसको, वाजपेयी सरकार ने, भाजपा की जो वर्तमान सरकार है वही बनाया एनपीएस को, एक्ट को, और कांग्रेस ने लागू किया। जब सत्ता से बाहर रहते हैं तो यही लालच देते हैं कि हम आएंगे सत्ता में तो पुरानी पेंशन देंगे, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो इनकी बात बदल जाती है। और ये पूर्व बहुमत की हठधर्मी सरकार है, इतना आसानी से मानने वाली नहीं है। लेकिन हम भी शिक्षक और कर्मचारी पूरा संघर्ष, ये जो चुनावी वर्ष है और ये पूरा अनवरत संघर्ष क्रमबद्ध तरीके से हमारा चल रहा है। लखनऊ में हमारी हुंकार रैली हुई, इसमें प्रदेश के करीब लाखों शिक्षक कर्मचारी उपस्थित हुए। 10 अगस्त को दिल्ली में हम रामलीला मैदान में एकत्रित होकर पूरे देश से ट्रेड यूनियन, रेलवे एम्प्लाइज, कर्मचारी यूनियन और शिक्षक वहाँ जा रहा है, और संसद का घेराव करने के लिए संसद मार्च 10 अगस्त को हम करेंगे। और अपनी ताकत का एहसास इस सरकार को, हठधर्मी सरकार को, जो पूर्व बहुमत की सरकार है, उसको हम एहसास कराएंगे। और वो देंगे क्या, हम अपने संख्या और ताकत के बल पे पुरानी पेंशन को उनसे छीन कर 24 के पहले ले लेंगे। ये जो रिस्क है, जब चुनाव के तक रहता है, जैसे वोट मतदान होता है तो आप लोग भूल कर भाजपा को ही चुन लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा नहीं है, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने हित को देख के हर कोई वोटिंग करता है। तो अगर कोई सरकार जीतती है उसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम ही लोगों ने वोट दिया है। वोट जो है पूरे राष्ट्र के लोग देते हैं, पूरे देश के लोग देते हैं। फिर भी देखा जाता है बड़े पैमाने पे कि बोल इस समय कैमरे पे कुछ और बोलते हैं लेकिन अंदर की बात कुछ और होती है। लेकिन मान्यवर, विधानसभा के चुनाव के पहले जो बैलेट से चुनाव हुआ था उसमें प्रदेश सरकार हार गई थी। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बैलेट पेपर का कोई गिनती ही नहीं होता, बस ऐसे रखा जाता है, जब कहीं मामला फंसता है तब उसका उपयोग किया जाता है। पहले राउंड की जो गिनती हुई थी वो बैलेट पेपर की हुई थी, बैलेट पेपर की ही गिनती हुई थी, उसमें सरकार हार रही थी। बाद में जो है जब उससे चुनाव हुआ उसके द्वारा वो जीती है, बैलेट पेपर से चुनाव हार गई थी। और सरकारी में क्या लगता है कि मैनिफेस्टो में भाजपा सरकार ये आप लोगों की मुद्दे को रखेगी? हम निश्चित रूप से आशान्वित हैं कि जिस प्रकार जो भी तत्कालीन परिस्थितियाँ रही हों, पुरानी पेंशन को ख़त्म किया गया, हम ऐसा मानते हैं कि निश्चित रूप से सरकार जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं या जो मांग कर रहे हैं, उस पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और हमें पुरानी पेंशन निश्चित रूप से मिलेगी। कैसे विश्वास होगा कि सरकार आपको हक और अधिकार देगी? विश्वास की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है हमें अपने ताकत पर भरोसा है, हमें युवा शक्ति पर भरोसा है, हमें अपने पर है कि अगर हम देश के भविष्य को बना भी सकते हैं तो किसी भी बिगड़ी हुई सरकार के भविष्य को भी हम उसको बिगाड़ भी सकते हैं। अगर वो नहीं सुनेगी तो हमारा ऐसा चलता रहेगा, और हम इसको अपनी ताकत से लेंगे। मुझे किसी की भीख या किसी का कुछ नहीं चाहिए, हम अपनी ताकत से उस चीज़ को लेके तभी मानेंगे। सरकार ये कह रही है उतने में तो और भी हम शिक्षक रख लेंगे, प्राइवेट में हमारा काम चलता रहेगा। तो प्राइवेट का ये समझे, शिक्षा का व्यवसायीकरण तो लोग करते थे ना, आज सरकार करने पर उतावली है, लेकिन उसको हम करने नहीं देंगे। हमारी संख्या काफ़ी अच्छी है, वो एक नहीं दो
ये उनको वो तो शुरू से प्राइवेट प्राइवेट किए जा रहे हैं, उनको तो है कि हम एक टीचर को दे रहे हैं, चार टीचर को रखेंगे, लेकिन तानाशाही वाला देश नहीं है ये, संविधान से चलने वाला देश है और संविधान से चलेगा ये, किसी के तानाशाही से नहीं चलने वाला है। आपको लगता है कि सरकार संविधान से सारा चीज़ चल रही है? एक बात सिर्फ मैं बतलाना चाहता हूँ आपको कि ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी ज़िंदा हैं। हम वो हैं जिनके आगे मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं, हम मजबूर कर देंगे। और अभी पिछले सत्र में संसद के आपने देखा निर्मला सीतारमन जी ने एक कमेटी का गठन किया है और उड़ती उड़ती खबरें ये आ रही हैं कि 40% तक हमको पेंशन अपने अंतिम वेतन का देने की ये तैयारी कर रहे हैं। हालांकि हमारी जिद ये है, हमारा संघर्ष इस बात के लिए है कि हम जो OPS में हमको जो भी वेतन लाभ दिया जाता था वह दिया जाए, और हम अपने संघर्ष पर कायम हैं और जब तक हमको OPS बहाल न होगी तब तक यह संघर्ष जो हम करते रहेंगे। अगली कड़ी में जो भी आंदोलन के क्रम है, जैसे 10 अगस्त को दिल्ली में हमको रामलीला मैदान में संसद घेरना है, सरकार खुद ब खुद जान जाएगी कि उसके पास इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है कर्मचारियों को OPS देने के। ठीक है, तो देखिए शिक्षक भी एकदम कमर कस लिए हैं, लोकसभा चुनाव से पहले सरगर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में शिक्षकों के लिए सरकार क्या नया चुनिंदा अपनाती है। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।